इस वक्त हमारे साथ सरायकेला से पिछली बार चंपई सोरेन के खिलाफ लड़े गणेश महली जी हैं फोन लाइन पर। उनसे जानेंगे कि जो चर्चा चल रही है जेएमएम में जाने की, बीजेपी छोड़ने की, उसमें कितना दम है, क्या सच्चाई है। गणेश महली जी, जो चर्चा चल रही है कि आप जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, आप चंपई सोरेन को बीजेपी का सिंबल मिलने से नाखुश है, क्या सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है, आपको जो भी सूचना मिला है जी। आप, हम भारतीय जनता पार्टी के पद से, सारा पद से इस्तीफा दे दिए हैं जी, ठीक है, और आगामी जो भी हमारा पार्टी से हमको जो टिकट देगा, जेएमएम से अब समर्पित प्रत्याशी के रूप में हम लोग सरायकेला से अब प्रबल दबदबा में है, पार्टी जो डिसाइड करेगा उस पर हम लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, कब कब इस्तीफा दिया है और कब शामिल हो रहे हैं जेएमएम में या शामिल हो चुके? आज हम पार्टी से इस्तीफा माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी को भी भेज दिए हैं, जी जिला अध्यक्ष जी को भी भेज दिए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी हम आपका मेल के थ्रू भेज दिए हैं जी इस्तीफा, ठीक है जी जी और पार्टी का सारा पद से हम इस्तीफा दे चुके हैं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, जेएमएम में कब शामिल हो रहे हैं? बस दो मिनट लेंगे समय आपसे। आज समाप्त लग रहा है कि सेकंड में ज्वाइनिंग हो जाएंगे। अच्छा, टिकट कंफर्म है, आप चुनाव लड़ेंगे, ये बता सकते हैं? आप जेएमएम में जाएंगे, जेएमएम चुनाव लड़ाए चाहे नहीं लड़ाए, अब हम पार्टी से त्याग दे दिए हैं, अब हम झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं। बोले चूंकि बास्को बेसरा भी वहां से उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो भी शामिल हुए हैं बीजेपी छोड़ करके। ये पार्टी को तय करना है, पार्टी का अंदर का चीज है, हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के लिए अपना सहमति हमने कल हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करके दे दिए हैं जी, बाकी अब हेमंत बाबू को डिसाइड करना है सरायकेला से किनको चुनाव लड़ाना है उनका ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, एक चीज बस लास्ट सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि आपका टिकट कट दिया, चंपई सोरेन को मिल गया, जबकि आपने पिछली बार जहां तक मुझे लगता है कि 1000 वोट के अंतर से आप हारे थे पिछले 2019 में, उससे पहले। पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता था, लगभग 25 वर्षों से हम सरायकेला विधानसभा के एक एक कार्यकर्ताओं को उन पचना से खींच के खड़ा करने का काम किया था जी। तो दो चुनाव हारने के बाद भी हम सरायकेला विधानसभा के एक एक कार्यकर्ताओं को कभी विधायक नहीं होने का महसूस नहीं होने दिया हमने जी जी। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, चाहे दुख हो चाहे सुख हो चाहे पूजा हो चाहे पाठ हो चाहे पर्व हो चाहे त्यौहार हो चाहे किसी का मरनी हो चाहे किसी का शादी हो जी। किसी का छठियारी हो चाहे बर्थडे हो, मंदिर बनाना हो चाहे मस्जिद बनाना हो, पूजा पाठ हर चाहे फुटबॉल खेल हो चाहे क्रिकेट खेलो, हर चीज में हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमारे सरायकेला विधानसभा के पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को कभी विधायक नहीं होने का महसूस होने नहीं दिया हमने, अपना खून पसीना से सींच कर अपना संगठन को हमने खड़ा किया था जी। और भारतीय जनता पार्टी ने इस पे हमारे माननीय चंपई सोरेन जी को आपका बीजेपी में सम्मिलित किया तो उसको हमने स्वागत किया, उसके लिए पार्टी का हमारा शीर्ष नेतृत्व का आदेश को हमने माना, सरायकेला विधानसभा माननीय चंपई सोरेन जी के लिए हमने छोड़कर खरसवां विधानसभा से हम तैयारी करने के लिए तैयार थे जी। जिला कमेटी हमारे पक्ष में था, माननीय अर्जुन मुंडा जी का परंपरा सीट रहा है, माननीय अर्जुन मुंडा जी झारखंड के 3 बार का मुख्यमंत्री रहे, केंद्र का मंत्री रहे और उनका अपना परंपरा सीट रहा है जी। और माननीय अर्जुन मुंडा जी उसको हमारे लिए त्याग दिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, गणेश माली को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए और हमारे लिए आपका संघर्ष कर रहे थे, हमको टिकट दिलाने के लिए अब उसने प्रयास कर रहा था जी। तो वहाँ माननीय चंपाई सोरेन जी को बड़ा मान करके उसको तो वहाँ हमारे लिए पर भी करना चाहिए था, जबकि सरायकेला विधानसभा उसके लिए हमने त्याग दे दिया तो उसका मन में ये होना चाहिए कि नहीं गणेश माली हमारे लिए इतना बड़ा कुर्बानी दिया है तो हम गणेश माली के लिए खरसवां से इसके लिए हम पर भी करके गणेश माली जी को खरसवां से हम चुनाव लड़ाते, वो हमको चुनाव हमारे लिए पर भी करने के बजाय वो मान्य आपका सोनाराम बोदरा जी के लिए टिकट के लिए आपका बीटो पावर लगाकर रोना धोना करके उसको टिकट दिलाने का काम किया है। तो चंपाई सोरेन जी बीजेपी में आके बीजेपी का संगठन को मजबूत करने के लिए नहीं आया बल्कि यहाँ बीजेपी में आके बीजेपी के एक एक कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और स्वाभिमान में ठेस पहुंचाने के लिए आया, यहाँ गणेश माली से सीधा दुश्मनी निकालने के लिए आया है। अगर उसका अगर गणेश माली के प्रति थोड़ा भी संपत्ति रहता तो वो हमारे लिए पर भी करते ताकि हम दो दो बार यहाँ उसके 1000 वोट से हमने चुनाव हारा है, बहुत ज्यादा वोट का अंतर नहीं रहा है जी। उसको भाली बात नहीं पता था, उसको सरायकेला से गणेश माली का बिना सपोर्ट का चंपाई सोरेन कैसे चुनाव जीतेगा यहाँ। अच्छा, तो एक लास्ट सवाल, अगर वो हमको मदद करते तो सरायकेला से उसको मदद मिलता और दोनों सीट आसानी से हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन आप गणेश माली ने मन बना लिया है, चंपाई सोरेन जी ने 3 सीट से अपना जो कैंडिडेट उतारा है घटचिला से उसका बेटा को
और सरायकेला से स्वयं चंपाई सोरेन जी और खरसवां से अपना उसका चहेता सोनाराम बोदरा जी को टिकट दिलाने का काम किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से चंपाई सोरेन जी को चुनौती देना चाहते हैं कि तीनों सीट से उसका तीनों कैंडिडेट को हराने का काम गणेश माली करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा ठीक है, आप किस सीट से लड़ना चाह रहे हैं या जेएमएम में क्या बात हुई है कि कहाँ से, खरसवां या फिर सरायकेला से? हमने माननीय हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कल औपचारिक मुलाकात करके अपनी बातों को उनके पास रख दिए हैं। अब उनको तय करना है आपको चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना है, ये तय है कि हमने भारतीय जनता पार्टी से अपना सभी पदों से हमने त्याग दे दिया है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी।